नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देश्य। जांजगीर चांपा जिले में चोरी का मामला बढ़ते ही जा रहा था और वहीं पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 5 बाइक के साथ पुलिस ने बाइक चोर सरगना व एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। यह सरगना शातिर तरीके से शहर के अलग अलग जगहों से बाइक को आसानी से पार कर रहा था। पुलिस के अनुसार शहर में लगातार हो रही बाइक की चोरी को देखते हुए पुलिस द्वारा टीम बनाकर पतासाझी की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि नैला चौक के अंतर्गत सिवनी निवासी अंकित यादव अपने घर में चोरी का मोटरसाइकिल रखा हुआ है। सूचना पर पुलिस तत्काल सिवनी अंकित यादव के घर दबिश दिया, जहां अंकित यादव घर में उपस्थित मिला, जिससे पूछताछ करने पर अंकित ने बताया कि वही एसडी पैलेस तथा शहर के अलग अलग जगह से अपने साथी नाबालिग के साथ बाइक एवं स्कूटी चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से रॉयल क्लासिक 350, हीरो होंडा सीडी डिलक्स, टेवियस सुजुकी जिसकी कीमत 2,50,000 रुपए की है। पुलिस चोर गिरोह का पर्दाफाश कुमार यादव को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। ये प्रकरण कोतवाली के अंतर्गत है और विगत कई महीनों से बाइक चोरी गिरोह का काफ़ी सक्रिय रहा और जिस पे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कड़े निर्देश दिए गए थे, उसी निर्देश के परिपालन में एक बाइक चोर के सरगना को हम पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है। उनके कब्जे से 5 गाड़ी जिसकी कुल मशरूका 2.5 लाख के आसपास आकी जा रही है और इसमें आरोपी है अंकित यादव और एक औपचारिक बालक है। ये जाकर एक व्यक्ति औपचारिक बालक के यहाँ मैकेनिकल रूप से वो गाड़ियों को ब्रेक और उसको तोड़ता था और ये दूसरा व्यक्ति उसको लेके चोरी करके उसे खपाता था। इस गिरोह में दोनों को गिरफ्तारी करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। औपचारिक को विधिवत रूप से उनको जेजे बोर्ड में भेजा जा रहा है। सर, सभी गाड़ी को कहाँ गिरफ्तार जब्त किया गया है? हमें उनको एक प्रकरण में उनके जांच की गई थी, प्रकरण में फिर उन्होंने मेमोरेंडम कथन में दिया गया मेमोरेंडम तहत उसके घर से ही सारे गाड़ियों को अलग अलग रूपों में अलग अलग अपराधों में उसको जो संलिप्त गाड़ियां थी तो उनके घर के कब्जे में से मेमोरेंडम कथन के आधार पर उसके कब्जे में लिया गया था।